हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस में। सो दोस्तों, फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि थर्ड मेरिट्स कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस जारी की गई है। और दोस्तों, थर्ड मेरिट्स में अगर आपका नाम नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोगों का नाम थर्ड मेरिट्स में नहीं आएगा तो क्या नामांकन होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग भी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पुणे अनुसरी का कोई छोटी से छोटी नोटिस या फिर बड़ा से बड़ा नोटिस जारी होता है दोस्तों, आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरी मेगा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद वाणिज्य व विज्ञान संकाय में होगा नामांकन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तीसरी मेरिट्स में अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर किस तरह से आपको एडमिशन लेना होगा, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी नोटिस जारी की गई है। ठीक है, तीसरी मेगा सूची, थर्ड मेरिट तो जारी हो गई। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, जनवरी में स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑन स्पॉट नामांकन का निर्णय। ऑन स्पॉट मतलब वही स्पॉट एडमिशन। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूँ, वैसे तो बहुत वीडियो में बता दिया हूँ, स्पॉट एडमिशन उसे कहते हैं दोस्तों, अगर आपका नाम कहीं नहीं आया, फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, यानी कि थर्ड मेरिट्स में भी नहीं, और दोस्तों आप अगर अप्लाई भी नहीं किए थे किसी भी तरीके से, अगर आपका नामांकन नहीं हुआ, उसके बाद दोस्तों एकमात्र ऑप्शन बच जाता है स्पॉट एडमिशन, जिसके द्वारा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, स्पॉट एडमिशन उसी को कहते हैं। अब स्पॉट एडमिशन कैसे करना पड़ता है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग तो कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दी गई है, थोड़ा हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या है आर्टिकल में। देखिए यहाँ पर, पूर्णिया गुरुवार को पूर्णिया विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में नामांकन की समिति बैठक पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव की अध्यक्षता संपन्न हुई। ठीक है, बैठक में जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में स्नातक पाठ्यक्रम में ऑन स्पॉट नामांकन कॉलेजों में लेने निर्णय लिया है। तीसरी मेगा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद वाणिज्य व विज्ञान संकाय में स्नातक में नामांकन लिया जाएगा। इसके साथ ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दूसरी चयन सूची के आधार पर नामांकन समयावधि समाप्त होने के बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले शेष अभ्यर्थी को भी मौका देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं आपको सारा चीज बताता हूँ डिटेल में। बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर पवन कुमार झा, कुल सचिव डॉक्टर रविन्द्रनाथ ओझा और उप कुल सचिव शैक्षणिक डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे थे। यानी कि उस बैठक में पूर्णिया विश्वविद्यालय की नामांकन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय व्यवस्थित करने हेतु समिति का गठन करने का कुलपति ने निर्देश दिया। ठीक है, वाणिज्य में विज्ञान संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी की तीसरी मेगा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में, इसको आप लोग ध्यान रखिए, प्रथम सप्ताह में स्पॉट एडमिशन का नामांकन का मौका दिया जाएगा। स्नातक में नामांकन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने हेतु एक समिति का गठन करने का निर्देश कुलपति ने दिया है। समिति में मानविकी संकाय के संकाय प्रोफेसर मिथिलेश मिश्रा, वाणिज्य संकाय के संकाय डॉक्टर टी एन झा, सामाजिक विज्ञान संकाय, ये सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, आप यहाँ देखिए, स्नातकोत्तर के द्वितीय चयन सूची के नामांकन समयावधि समाप्त होने के बाद आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को उनके विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम में नामांकन पर विचार करेगी। बैठक में सभी संकाय जीएलएमसी कॉलेज बनबनकी के प्रधान, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है, मैं पूरा नोटिस पढ़ लिया हूँ, वैसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको कह रहा है सबसे पहले द्वितीय मेगा सूची यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों पीजी का पार्ट वन का आप लोगों को मालूम होगा सेकेंड मेरिट जारी कर दिया गया है, और दोस्तों उन लोगों का नामांकन का डेट 22 तारीख तक रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 22 तारीख के बाद ही कोई विचार विमर्श किया जाएगा। और दोस्तों आपका स्पॉट एडमिशन किसे कहते हैं आपको बता दें कि तीसरी मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद, एडमिशन हो जाने के बाद, तभी आपका स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला जाएगा। और स्पॉट एडमिशन का डेट यहाँ पर निकाल दिया गया, वो है कितना, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, आपका स्पॉट एडमिशन जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों जनवरी से पहले ही आपका थर्ड मेरिट भी जारी होगा और एडमिशन भी होगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्वितीय चयन सूची के नामांकन समावधि समाप्त होने के बाद आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को, यानी कि जो आवेदन किया है, अप्लाई जो आप लोग किए हैं, तो उन लोगों का जो है विचार विमर्श किया जाएगा, उन लोगों का जो है थर्ड मेरिट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली डेट जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा तो जारी नहीं की गई है, क्योंकि दोस्तों मैंने कॉल भी किया था, वो लोग कहे कि देखो एक न्यूज़पेपर में आया है, हम लोग स्पॉट एडमिशन जो है जनवरी के फर्स्ट वीक से करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पोर्टल में कोई भी खबर नहीं है। वो लोग कहा कि अभी तक थर्ड मेरिट्स जारी करने का कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लू दे दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पीजी का जो सेकेंड मेरिट जारी हुआ था, उन लोगों का डेट, नामांकन का डेट, जो एडमिशन का डेट 22 तारीख तक रखा गया है। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर तक उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा, फिर 22 दिसंबर के बाद थर्ड मेरिट जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, और 22 दिसंबर के बाद
थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आपका एडमिशन वगैरह 8 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है, पूरा दिसंबर में। फिर जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं या फिर अगर आप लोगों का एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता, ठीक है, किसी भी कारणवश नहीं आता है, तो दोस्तों आप लोगों का एडमिशन जो है थर्ड मतलब कि स्पॉट एडमिशन के द्वारा होगा। और स्पॉट एडमिशन कब होगा? वो जनवरी के फर्स्ट वीक में। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना यूनिवर्सिटी या फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस सब्जेक्ट में, उस कॉलेज से दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट में रहना होगा, ताकि जैसे ही कोई नोटिस जारी होती है आपको वहाँ पर मतलब तुरंत कर देना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जारी होगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। अभी तक दोस्तों ये खबर आपको किसी ने नहीं दिया होगा, मैं सबसे पहले दिया हूँ आपको, बिल्कुल खुफिया एजेंसी कह सकते हैं इसको, मतलब खुफिया तरीके से मैं आपको बताया कि कैसे आपका सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होने वाला। तो दोस्तों, फाइनल डेट जो है वो है आपका 22 तारीख के बाद, यानी कि 22 दिसंबर के बाद ही आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। उससे पहले किसी भी कारण मतलब किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, शायद हो जाए लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों 22 तारीख से पहले नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों, आपका स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जारी होगी आपको इस चैनल पे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर किसी का एडमिशन नहीं होता तो फिर 1 साल आपको बैक लगाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।